नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक कमेंट ऐसा आया है जिसके बारे में हम वीडियो बना करके आपको भेज रहे हैं। यह कमेंट है कि जब दो साइड से आपका वाल बढ़ा हुआ है, अर्थात आपका जो वास्तु से सबसे बेस्ट प्लॉट माना जाता है वह वर्गाकार माना जाता है, और उससे भी अगर जो है सो दूसरा है आयताकार, तो हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन अगर इस स्थिति में है कि दो तरफ उसका वाल बढ़ा हुआ है, अर्थात ये समझिए साउथ का जो क्षेत्र है, ये साउथ का क्षेत्र है, यह अपने को 55 फीट है, और ये जो है नॉर्थ का क्षेत्र है यह 55 फीट है, और इधर का पूरा क्षेत्र जो है ना सो ये आपको जो है सो कम है, अर्थात ये 50 फीट है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि 5 फीट इधर भर गया और 5 फीट इधर भर गया, तो यह आकार में इस रूप में अगर हम बताते हैं तो अभी हम वास्तु से साइंटिफिक इसका क्या रीजन हो सकता है और इसका क्या इफेक्ट मानव जीवन पर होगा, इसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यह जो आपका है, यह आपका ईस्ट और साउथ का कोण है, ईस्ट और साउथ का कोण जिसको अग्नि कोण कहते हैं, ये आपका नैऋत्य कोण है, अर्थात साउथ और डब्लू का क्षेत्र नैऋत्य कोण है, और ये आपका जो क्षेत्र है यह क्षेत्र आपका आ जाता है नॉर्थ और डब्लू का क्षेत्र अर्थात वेस्ट का क्षेत्र, ये वायव कोण है, और ये जो है सो आपका ईशान कोण जिसको नॉर्थ और ईस्ट का क्षेत्र मानते हैं, ये नॉर्थ है। नॉर्थ आपका नहीं बढ़ा हुआ है, ईशान कोण आपका नहीं बढ़ा हुआ है, नैऋत्य कोण नहीं बढ़ा हुआ है, अर्थात अग्नि कोण बढ़ा हुआ है और वायव कोण बढ़ा हुआ है। यह दोनों कोण बढ़ने के चलते क्या हो रहा है कि ये मकान वास्तु से उचित नहीं है। इसकी तीन तरफ रोड है, आप समझिए कि नॉर्थ को छूत करके ईस्ट में भी और साउथ में भी और वेस्ट में भी इसका जो है सो रास्ता है, तो क्या बेस्ट होगा अपने लिए। तो हम अपने लिए क्या करते हैं कि इसका सबसे पहले हम इसको गुनिया के आधार से, जो भी कोई भी इंजीनियर से या ठेकेदार से जो आपका मकान बनाने वाला है उससे गुनिया निकलवा करके इसका गुनिया निकलवा लेते हैं, और गुनिया से इसको जो है वर्गाकार में हम लेते हैं, जिसका प्रत्येक कोण, ये कोण जो है ना ये आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो 90 डिग्री का आप अगर कोण बनवा लेते हैं तो ये सारा समस्या ही आपका दूर हो जाएगा, ये साइंटिफिक है। 90 डिग्री मतलब समकोण, समकोण का मतलब है कि आपका जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपको भरपूर मिलेगा, ये मकान में रहने वाले व्यक्ति बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे, अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे जीवन में, उसको सारे सुख समृद्धि मिलेगा जीवन में जो चाहेगा। अगर ऐसे ऐसे बना लेता है तो उसकी आर्थिक तंगी भी रहेगी, एक्सीडेंट की स्थिति भी बनेगी और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। यहाँ अगर रहेगा तो इसका रिलेशन खराब होगा लोगों से, क्योंकि इसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, ऐसी स्थिति में आदमी बीमार भी रहेगा, मानसिक रूप से परेशान ही रहेगा, क्योंकि ये चंद्रमा का क्षेत्र है, चंद्रमा क्षेत्र अर्थात चंद्रमा आपका दूषित हो गया, चंद्रमा मन का कारक है और मन आपका डिस्टर्ब रहेगा, पागलपन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो जब भी मकान आप बनाना चाहते हैं, बनाने के लिए जाएं, तो पहले उसको ये स्क्वायर में बना लें। स्क्वायर में बनाने के बाद ये 9 पिरामिड यहाँ पर अंडरग्राउंड करना है, 9 पिरामिड इधर, 9 पिरामिड इधर और 9 पिरामिड इधर। अगर पिरामिड अगर आप इसको कर देते हैं तो यह पूरी जो है सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए भर जाएगा। यह जो आपको हर हमेशा रह करके चुकी नेगेटिव ऊर्जा जो है डेवलप करेगा वह नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ये आप जब बना लेंगे तो ये आपकी ज़मीन है, यहाँ पर आप कोई भी घास इत्यादि लगा सकते हैं, कारपेट घास वगैरह लगा दें, क्योंकि ये ईस्ट का क्षेत्र है, और ईस्ट का क्षेत्र होने का मतलब कि यहाँ का कलर जो इसका है इस तत्व का, क्योंकि ये वायु तत्व है और वायु तत्व का जो कलर है ना तो आप समझ लीजिए कि हरा है, तो ये हरा रंग का आप कारपेट लगा लेते हैं
ये बैलेंस रहेगा, यह पूरा क्षेत्र आपको ये रहेगा। यहाँ पर आप थोड़ा रेड फ्लावर दो चार गो लगा लें बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ व्हाइट रंग का आपको जो है ब्लॉक लगा लेना है पूरा, या सीमेंट से करवा करके इसको व्हाइट कलर का आप करवा लें, तो ये बैलेंस की स्थिति आपकी बन जाएगी और आपका घर जो है बहुत ही अच्छा होगा। अब ये प्लानिंग से आपको जहाँ बेडरूम रखना है, जहाँ क्या रखना है, या कोई भी व्यक्ति अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, मेरे पीछे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, जिसका हम लिंक दे देंगे किस तरह के वीडियो दिए हुए हैं और हम कैसे कर सकते हैं। अब दूसरी स्थिति आती है कि अगर ये साउथ मुखी है, तो साउथ मुखी में तो और ज़्यादा आपको ये करना है। यहाँ पर जो है ना, तो आपको एक कॉपर वायर पूरा लगवा देना है, पूरा कॉपर वायर यहाँ तक, ताकि ये बैलेंस रहे, अर्थात ये 90 डिग्री और ये 270 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक कॉपर वायर आपको लगा देना है, तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा और आपके लिए साउथ मुखी मकान फलदायक होगा। साउथ मुखी में जो मेन गेट है, यह मेन गेट को बहुत ध्यान से आपको बनाना है, यह चौथे और तीसरे पद में आना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा साउथ मुखी मकान भी बहुत लाभदायक होगा और आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा, चमत्कारी लाभ लेगा। चूँकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आप ये समझिए दोनों का जो आपका भुजा है वो बराबर होना चाहिए, पूर्व और पश्चिम का भुजा भी बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इस ढंग से आप अगर अपना मकान बना लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।